यस गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और हमेशा जैसे मैं वापस से आया हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक और एक्स्ट्रा चैप्टर लेके, राइट। ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा हमारे बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी टॉपिक भैया, सबसे ईजी टॉपिक और आज की तारीख में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स, नो फूड नो फार्मर्स। यस, I am talking about the chapter with name agricultural sector, right? आज हम जो chapter पढ़ने वाले, that is chapter number 8 of 12th standard Gujarat board, हमारे chapter का नाम रहेगा agriculture sector, right? हम लोगों ने बहुत बार agriculture के बारे में सुना है, हमने ये देखा है भैया, India is an agrarian economy, India के अंदर 70-80% लोग पहले खेती करते थे, आज भी 2011-12 के census के बाद में भी करीबन करीबन 50% हमारी आबादी की अभी भी खेती करती है। हमारी कंट्री का बहुत 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 डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो इनकम के लिए हो, चाहे और भी किसी रीजन के हो, एग्रीकल्चर पे इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहा है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को एगेरियन इकोनॉमी माना जाता है, राइट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को आगे लेके जाने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर के बहुत ही सुंदर से आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स अगर आप में से किसी को चाहिए तो आपके पास दो तीन तरीके रहेंगे, बट मैं सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ। सबसे सिंपल तरीका रहेगा ये नोट्स पाने का कि आप जाके सीधा का सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब हो जाए, वहां पे सारे नोट्स अवेलेबल। इट्स नॉट नेसेसरी ये वीडियो, उसके सिवाय के बहुत सारे भी नोट्स है जो मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, राइट। आप खाली टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए शेपर्स एडुकेशन, आपको मिल जाएगा, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं सारे नोट्स मेरे शेयर करता हूँ, सारे वीडियोस में शेयर करता हूँ, ये नोट्स भी फ्री है, वीडियोस भी फ्री है, सर मजे से पढ़ते रहो, राइट। चलिए, सो आज हमारा चैप्टर रहेगा, दैट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर, इट इज अ चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड, राइट। चलिए, सो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने है, ये पूरा चैप्टर मैंने यहीं पे बना के रखा, आप आराम से चैप्टर को देखिए, एंजॉय कीजिए, पूरे नोट्स मैंने आपके लिए डाले हैं, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को जस्ट आर देता हूं, मतलब रीड इट वंस, एक बार पढ़ लो, बहुत हो गया, क्योंकि ये हम अपने हिसाब से अपने मन से भी एग्जाम में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो खाली इसको एक बार आप घुमा लेना, बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे मैक्सिमम एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से होते हैं, हमारी कंट्री की करीबन करीबन 68% पॉपुलेशन खेती करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में कनेक्टेड है। एग्रीकल्चर के फेल होने से ना कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में नुकसान होगा, बट कि हमारी कंट्री की रोजी रोटी में भी, क्योंकि भैया इंडिया की आज भी बहुत बड़ी आबादी वेजिटेरियन है। सो एक तरीके से एक ये बहुत सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो भैया इंडस्ट्री भी फेल होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाता है, और अगर इंडस्ट्री फेल होगी तो भैया नौकरियां नहीं मिलेगी, तो सर्विस सेक्टर भी फेल होगा। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर तीनों इंडस्ट्री को कनेक्ट करता है, एक तरीके से एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है जॉब्स और सर्विसेज। सो एग्रीकल्चर अगर बर्बाद हुआ तो भैया सब खतरे में आ जाते हैं, देयरफॉर अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो पूरी की पूरी इकोनॉमी फेल हुई है। इसलिए कहा जाता है कि एग्रीकल्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, ये मन से लिख देना, बट ये मैंने आपके लिए तीन चार पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें एक बार रीड कर लेना कि एग्जाम में आपका थोड़ा सा आंसर अच्छा हो। बाकी आप मन से लिखते हो, बट यार मुझे मजा नहीं आता, तुम लोग मन से बड़ा गड़बड़ी करते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा अच्छा सोच सोच के लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, दैट इज व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री, ओके। चलिए, तो हम लोग अगर हम अपनी कंट्री की एग्रीकल्चर की सिचुएशन के बारे में बात करें, तो इस सिचुएशन को हम लोगों ने 6 पॉइंट्स में डिवाइड की है। सबसे पहला आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, चेक करेंगे भैया एग्रीकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। फिर हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में कितना है, एक्सपोर्ट्स में कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से एग्रीकल्चर ने इम्प्रूव किया है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसा, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्यों एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंट माना गया है। एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में मैंने इस नोट्स में आपके लिए लिखा है, आप आराम से इस नोट्स को यूटिलाइज कीजिएगा। एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आए, आपको लगे कि मेरे नोट्स आपके किसी भी काम आए हैं, तो जरूर से जरूर से जरूर से अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, उन्हें कहिएगा हमारे चैनल पे आने के लिए। मैं बहुत जल्द, अब हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो रहा है, राइट। हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हेन वी वर 0 सब्सक्राइबर्स, टुडे वी आर 1600 सब्सक्राइबर्स, राइट। सो वी आर ग्रोइंग इनटू अ लार्जर फैमिली।
एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन अस कि मुझे थोड़ा पढ़ाने में एंथुसियाज्म मिले। जैसे ये 2,500 के नंबर्स तक पहुंच जाएंगे, 12th वाले 11th वाले बच्चे और आ जाएंगे, मैं डेली आपके लिए लाइव बैचेस लूंगा, कंप्लीटली फ्री लाइव बैचेस लेने वाला हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। वो लाइव बैचेस में मैं आपको अकाउंट्स भी सिखाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी सिखाऊंगा, स्टेटिस्टिक्स भी सिखाऊंगा और ओसी भी सिखाऊंगा। मतलब एक तरीके से 11th 12th गुजरात बोर्ड पूरा का पूरा मैं यही आपको बैठे बैठे लाइव करवाऊंगा। बट उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से मेंबर्स और हमें बढ़ाने हैं कि हमारा थोड़ा मजा मेंटेन रहे, ठीक है। सो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो ये नोट्स भी शेयर कीजिए, वीडियो भी शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को बोले जल्दी हमारे चैनल पे आए, जिससे हम लोग जल्द से जल्द आपके लिए लाइव बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीटली फ्री, राइट। चलिए सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमने जो ऊपर टॉपिक देखा था, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसका सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, कि खेती का क्या कंट्रीब्यूशन है। 1950-51 के अंदर खेती का कंट्रीब्यूशन 53.1% था, ये बढ़ के 13 point, sorry, ये गिर के 13.9% तक पहुंच गया है। मतलब जहां पहले पूरी कंट्री की इनकम खेती से आती थी, आज वो इनकम का शेयर बहुत कम हो गया है। बट मेरी बात सुनना, खाली इनकम का शेयर कम हुआ है, डिपेंडेंसी अभी भी कम नहीं हुई है। सो यस, वी कैन से दैट द टोटल इनकम, जो टोटल जीडीपी एक कंट्री जनरेट करता है, उसमें एग्रीकल्चर का शेयर बहुत कम हो गया है। 2011-12 में 13-14% पे आके रुक गया है, राइट। वैसे अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो भैया एम्प्लॉयमेंट में इतना फर्क नहीं आया है। आजादी के टाइम पे हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट था एग्रीकल्चर का करीबन करीबन 72%, जो आज भी 70 साल बाद, आप इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स होने के बाद भी 49-50% आज भी है। मतलब हमारी कंट्री में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती कर रहे हैं, खेती पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन, एक्सपोर्ट इनकम की अगर हम बात करें, तो पहले हमारी कंट्री में सिर्फ एक्सपोर्ट के नाम पे एग्रीकल्चर ही होता था, भैया हम आलू गोभी के ही एक्सपोर्टर थे। बट अब ऐसा नहीं रहा, पहले हमारा 70% एक्सपोर्ट अर्निंग खेती से आता था, जो गिर के 14.2% पे हो गया है। इन शॉर्ट, अब इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सपोर्ट नहीं करती है, हम टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम सर्विसेज भी देते हैं, हम और भी बहुत चीजों में आगे बढ़ गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट में हमारा जो शेयर था 70%, वो गिर के 14.2% ही रह गए, एंड इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छा नंबर है। अगर हम बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की, सो एग्रीकल्चर ने हमेशा से गांव के लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। मैक्सिमम लोग खेती करने वाले रूरल एरिया से होते हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, उनकी लाइफ अच्छी हुई है। जहां पे पहले फूड ग्रेन हमें मिलता था 395 ग्राम्स पर हेड, वो बढ़ के 511 ग्राम हो गया है। मतलब लोगों को अच्छे से खाना मिला, लोगों को हम अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए हैं, एंड दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, राइट इनफ। सो दीज आर द बेसिक नोट्स टू हेल्प यू पीपल। देखते हैं आगे, फिफ्थ वन, आपके एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसा रहा है भैया, वो देख लो। अब आपको अलग अलग कंपैरिजन दे रही हूँ, कंपैरिजन बहुत मार्वलस है, आपको बहुत प्राउड फील होगा अपनी कंट्री पे, यार क्या गजब काम किया तुमने, मानना पड़े। जैसे कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो पहले सिर्फ 51 था, राइट, 51 मेट्रिक टन था, सर वो बढ़ के 264 मेट्रिक टन हो गया, मीन्स 5 गुना हो गया है। सुपर, हर चीज में 2-3 गुना 5 गुना का बढ़ावा है। आप कंपेयर करो, पल्सेस में 8.4 का 19 हो गया है, शुगर केन 69 का 348 हो गया है, ऑयल सीड्स 5 का 32 हो गया है, कॉटन ने तो भैया आग लगा दी है, 2 का 36.5, 18 गुना बड़ा है भैया कॉटन। सो कॉटन हैज डन अ मार्वलस जॉब। सबसे कम अगर ग्रोथ आई है तो पल्सेस में आई है, और बाकी सब में 5-6 गुने की ग्रोथ तो मिनिमम मिनिमम आई है। दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट, राइट। अगर हम बात करें बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, तो भैया बहुत सही बात है कि आज भी हर इंडस्ट्री का बेस एग्रीकल्चर ही होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और दूसरा का दूसरा, सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम नहीं है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर फिर उन रॉ मटेरियल को कंज्यूम भी करता है, क्योंकि हमारी कंट्री की मैक्सिमम आबादी आज भी गांव में रहती है। खेती अच्छी होगी, उनकी कमाई अच्छी होगी, तो जो एग्रीकल्चर वाले रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज को बेचेंगे, इंडस्ट्रीज उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बना के हमें बेचेगी, वो खरीदने वाला भी वापस से किसान ही होता है, राइट। सो एक तरीके से पूरा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे आज भी हमारी कंट्री पे ऑफ कोर्स है, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्यों एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कभी कम है या ज्यादा है, तो उसके क्या रीजन है, इनको हमने 3 हेड पे बांट के रखा है। पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर,
दूसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, और तीसरा होता है अदर फैक्टर्स, राइट। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर चार चीजें और हमें डिस्कस करनी है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अपने आप में कंप्लीट हेड है, और अदर फैक्टर्स में हम और दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, डिटेल में नीचे पूरा है, पूरा सामान नीचे तैयार है। मैंने कहा था आप सिर्फ इंजॉय करो, आपके लिए मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयार रखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं भैया, ऐसे तो क्या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स थे जिन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहला आ गया लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, इसको हम लोग जमींदारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम या रायतवारी सिस्टम भी कहा करते हैं। ये एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स होते हैं। इसमें गांव का जो जमींदार, जो सबसे पैसे वाला फार्मर होता है, वो फार्मर से अपनी 70% तक प्रोडक्शन ले लेता है, छीन लेता है रेवेन्यू के नाम पे, टैक्सेस के नाम पे। सो एक गजब तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता था, और उस कारण से बेचारे फार्मर्स के पास कुछ नहीं बचता था यार। आप सोचो, आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो और पता चला 70 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो आप कभी गरीबी से बाहर निकलोगे नहीं, और दूसरी बात आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा पैसे कमाने का। भैया मैं क्यों मेहनत करूं जब 70% 60% मुझे देना जमींदार को एज ए टैक्सेस, व्हाई आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड। सो कोई हम काम ही नहीं करते, इसलिए फार्मर्स का मोटिवेशन खत्म हो गया, क्योंकि लैंड रेवेन्यूज वे फ्रॉम 30 to 70%, 30 से 70% तक लैंड रेवेन्यू टैक्सेस उनको पे करना पड़ता था। दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लेस। सेकेंड वन, एग्रीकल्चर फाइनेंस। हमारी कंट्री में फार्मर्स को एग्रीकल्चर फाइनेंस के नाम पे मिलता था ठेंगा, कुछ नहीं मिलता था, राइट। एग्रीकल्चर फाइनेंस बहुत 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 पुअर था, इसलिए फार्मर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हेल्प नहीं कर पाए, तो फार्मर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से लेना पड़ता था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स उस जमाने में हो जाते थे श्रॉफ, शाहूकार्स, वो सब। बट 1951 के बाद में ये नहीं रहा, 1951 के बाद में हमारी सरकार ने आजादी के बाद में एग्रीकल्चर फाइनेंस को इंपॉर्टेंस दिया। 1975 में सबसे पहली बार रीजनल रूरल बैंक बनाई गई, और 1982 के अंदर नबार्ड बनाया गया। नबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड को बनाया गया। नबार्ड का मेन मोटिव था कि भैया वो फार्मर्स को लोन दे, ये वो फार्मर्स जो बेचारे उससे पहले मनी लेंडर्स के पास जाते थे, श्रॉफ साहूकार्स के पास जाते थे पैसा ब्याज पे लेने के लिए, और उनका ब्याज दर 50, 60, 70% तक होता था। इसलिए अब वहां से हटके इन लोगों को नबार्ड हेल्प करने लग गया। तो जो इनका शेयर, मनी लेंडर्स का शेयर 1951 के अंदर 71.6% था, वो गिर के अब सिर्फ 27% तक आ गया था। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ नबार्ड। इसलिए फार्मर्स को फिनांस में भी सरकार ने बहुत 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 मदद की थी, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मार्केटिंग की। अब एग्रीकल्चर में मार्केटिंग जैसा कुछ होता नहीं था यार। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को ट्रेडर्स को बेचते थे, ट्रेडर्स उन प्रोडक्ट को ले जाके मार्केट में बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। कभी कभार ऐसा होता था, कभी कभार क्या, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि जो फार्मर था वो बेचारा कमाता था 2 रुपया और ट्रेडर कमाता था 5 रुपया। मतलब उगाने वाला, मेहनत करने वाला वो है, पर उसको कभी सही भाव नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सिस्टम्स निकाले। सरकार ने कहा कि भैया मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, बट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर थे, ना रोड्स थी उनके पास, ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थे। मेजॉरिटी केसेस के अंदर हाई प्राइसेस का बेनिफिट ट्रेडर्स खा जाते थे। फार्मर्स को कभी भी डेट फ्री होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि फार्मर कभी भी अपने पैसे कमा नहीं पाते थे जितना वो डिजर्व करते थे, एंड देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड returns on the crops, and due to this they became pessimist. और इस चक्कर में वो बेचारे एकदम pessimist हो गए, उनको काम करने का मन खत्म हो गया, productivity उन्होंने अपनी खत्म कर ली। और रही बात आखिरी, that is rural social structure. आज भी बहुत सारे छोटे मोटे गांव में वही पुराना घिसा पिटा ट्रेडिशन चलते आ रहा है, राइट। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, देखिए ट्रेडिशन दो तरह के होते हैं। एक ट्रेडिशन जो हमें प्राउड फील करा था कि yes, we belong to this tradition. वो ट्रेडिशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। बट कुछ ट्रेडिशन ऐसे होते हैं जो छोटी सोच से बने होते हैं, कुछ ट्रेडिशन ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाए होते हैं। सर वो ट्रेडिशन जैसे जैसे खत्म होगा, उतना उतना आपका, मेरा, हमारे देश का भला है। सो वैसे ट्रेडिशंस को खत्म करना बहुत जरूरी था। हमारी कंट्री
मैं फार्मर्स बेचारे हमेशा से खुद के नसीब पे भरोसा करते, तो उन्हें फेटलिस्ट कहा जाता था। दे यूज टू बिलीव कि भैया हमारे नसीब में नहीं लिखा है, खेती करने के बारिश नहीं हमारा नसीब नहीं है, बारिश ज्यादा हो गई हमारे नसीब नसीब नहीं है। तो नसीब के कारण वो लोग बेचारे तकदीर पे भरोसे करने बैठ गए थे, इसलिए उनकी लाइफ के मोटिवेशन खत्म हो गए, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी मिलने ही नहीं लगा था। बट धीरे 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 फार्मर्स को इनसे बाहर निकाला गया और उन्हें इनके ये भी सिखाया गया कि भैया फेट जैसा कुछ नहीं था, मेहनत पर मेहनत तेरे साथ रहेगी तो तू आगे बढ़ेगा। बट उस चक्कर में भी कितनी बार फार्मर्स फेटलिस्ट होने के कारण लो प्रोडक्टिव रहते थे, वो कभी भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। तो दीज वर द वेरियस रीजंस विच आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, राइट। इसके आगे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इंडिया हमेशा से पुरानी पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में रह गया, पुराने इक्विपमेंट पे रह गया, पुराने आइडियोलॉजीज में रह गया, पुरानी टेक्निक्स में रह गया, इसलिए इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत 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 पुअर था। इंडिया के फार्मर्स के पास पेस्टिसाइड्स भी बहुत कम थी, कम मतलब बहुत ज्यादा कम थी, जहां बाकी फार्मर्स बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करके अपने पेस्ट को सेव अपने सॉरी क्रॉप्स को सेव कर लेते थे, इंडियन फार्मर्स को ये मौका नहीं मिला, ना ही उनके पास कभी कोई नई टेक्नोलॉजी पहुंच पाई थी जिससे वो अपने क्रॉप्स को बचा पाए। एंड इस चक्कर में इंडिया का एग्रीकल्चर हमेशा बहुत स्लो ही आगे बढ़ा था। दिस वॉज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। एंड द लास्ट वन इज अदर फैक्टर्स, और भी छोटे मोटे फैक्टर्स थे। सबसे पहला फैक्टर था प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। सर आप भी जानते हो इंडिया की आबादी धमाधम, बोलते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, वैसी कहानी है। हम जब आजाद हुए थे हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन 30 से 35 करोड़ थी, अलग अलग सेंसस के अलग अलग डेटा है, राइट। कुछ बोलते हैं 36 करोड़ से, कुछ बोलते हैं 30 करोड़ से, डजेंट मैटर, अब 30-35 पकड़ के चलते, राइट। सो 1950 के अंदर हमारी पॉपुलेशन, हमारी आबादी 30-35 करोड़ थी। 70 ईयर्स में, अभी 2025 का जब सेंसस आएगा, 2025 के सेंसस तक जहां तक मेरा मानना है 75 सालों में हमारी कंट्री 150 करोड़ प्लस हो गई है, मतलब हमने हमारी आबादी को 5 गुना कर लिया है, 5 टाइम्स। सो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, इतना सारा पॉपुलेशन प्रेशर है इंडिया के अंदर। सो आप इमेजिन कर सकते हो इतने सारे पॉपुलेशन को काम देने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पे आती है। सो इतना सारा बर्डन एग्रीकल्चर बेचारा नहीं संभाल पाता, इसलिए प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होती है। और दूसरी, हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत खराब है। इंडिया ने 5 ईयर प्लान फॉलो किया, इंडिया ने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया, बट इंडिया की हमेशा से हर प्लानिंग में सबसे सेंट्रल पोजीशन इंडस्ट्रीज को मिलती थी कि भैया इंडस्ट्री को इम्प्रूव करो। गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एफर्ट्स, और वी कैन से मच एफर्ट्स, टू गिव मोर अमाउंट ऑफ टाइम और मनी टू एग्रीकल्चर सेक्टर एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड दैट इज द रीजन की इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हो गए, बट एग्रीकल्चर आज भी खड्डे में ही रह गया, राइट। सो दीज वर द 3 फैक्टर्स, राइट। हम लोगों ने 3 फैक्टर्स देख लिए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और आखिरी था अदर फैक्टर्स, राइट बच्चा। सो आई होप यहां तक आपको चैप्टर इजी लग रहा है। मैंने आपके लिए नोट्स बहुत ही समराइज बनाया, भैया फायदा उठाओ, लोगों को बांटो, ठीक है। ज्ञान वही है जो हर जगह तक पहुंच सके सर। चलिए, सो इसके बाद में हमारे नेक्स्ट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। खेती में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं। बस आगे पहली वाली बात आ गई है, जो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स थे उनको अच्छे से लागू करो, अपने लिए लागू करो, अपने फायदे के लिए लागू करो। जो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स थे उनको एग्रीकल्चर में इंप्रूव करो, और छोटे मोटे अदर मेजर्स और लेके आओ। चलिए पढ़ेंगे। सबसे पहला भैया लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ, ये जमींदार वमींदार को हटाओ, ये जमींदार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। लैंड मस्ट बिलोंग टू द फार्मर्स हु इज टिलिंग दैट पर्टिकुलर लैंड। ऐसा होगा तो फार्मर को मोटिवेशन मिलेगा, भैया ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ पे और अच्छे से काम करूंगा और वो ज्यादा पैसे कमाएगा। तो सबसे पहला होता है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डेवलप करो। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने नबार्ड बनाया, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक बनाया, राइट। उसके बाद में गवर्नमेंट ने RRBs बनाए, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स बनाए, LDBs बनाए, लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए। ये सारे बैंक का काम था कि फार्मर को, किसान को सस्ते दामों में, एकदम कम कॉस्ट में, कम इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करे। सो इस तरीके से क्रेडिट भी फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया गया था, राइट। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केटिंग इंप्रूव करो यार, मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए सरकार ने बनाया एगमार्क। ये एगमार्क जिस प्रोडक्ट पे लग गया भैया, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए नेशनल वेयरहाउस कॉरपोरेशन बनाए गए, स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन बनाए गए, जिससे
फार्मर के अगर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहे भैया, जल्दी मत कर, भाव तोड़ के मत बेच, तू तेरे प्रोडक्ट को तब तक वेयरहाउस में रख दे, आराम से तेरा प्रोडक्ट जब बिकेगा तब बिकेगा, फुल मौज से बेच, राइट। इस तरीके से सरकार ने फार्मर्स को एक बार्गेन पावर देने की भी कोशिश की थी और सरकार ने MSP भी फिक्स कर दिया, दैट इज मैक्सिमम सेलिंग प्राइसेस, मिनिमम सेलिंग प्राइसेस फिक्स कर दिया, जिसको फ्लोरिंग फ्लोरिंग और सीलिंग बोलते हैं हम लोग, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि एक मिनिमम और एक प्राइस आप लोग को फिक्स कर देनी पड़ती है। मिनिमम प्राइस से फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिलता है और मैक्सिमम प्राइस से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलता है। तो कुछ गुड्स में गवर्नमेंट ने MSP दे दिया, दैट इज मिनिमम सेलिंग प्राइस दे दिया, कुछ गुड्स में गवर्नमेंट ने सीलिंग प्राइसेस फिक्स कर दिया कि भैया इसके ऊपर मत भेजो, ये नेसेसिटी, इसके भाव इससे ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। सो प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं आएगा, नेक्स्ट कभी सिखाऊंगा मैं आपको आराम से, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, राइट। सो इस तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव किया गया। फिर रिसर्च के लिए भैया नबार्ड को बोला गया, नबार्ड आप रिसर्च के लिए पैसा निकालो, लोगों को खेती का नॉलेज दो, लोगों को खेती के लिए ट्रेनिंग दो, फार्मर्स को बताओ कि भैया खेती में भी तुम रिसर्च करके और इम्प्रूव करो। कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, पंचायती राज बनाया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए, जनधन योजना बनाई गई, और इस तरीके से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की पूरी कोशिश की गई थी हमारी सरकार द्वारा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसके बाद में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए, हम नए नए सीड्स लेके आए। आपको पता है HYV सीड्स आए थे, जिसे हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ये सीड्स आने से, इन सीड्स आने से बहुत फर्क पड़ा। अब पौधे पेस्ट से जल्दी मर नहीं जाते थे, पौधों की ग्रोथ फटाफट होने लग गई, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन एन ईयर इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हमारे यहाँ पे गजब सा रिवॉल्यूशन आ गया। इसे कुछ लोग सीड रिवॉल्यूशन बोलते हैं, कुछ लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, बट इन सब चीजों के कारण हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी सुपर्ब लेवल पे बढ़ गई थी। इसलिए सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी बनाई, नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाए, और इनको सीड डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की पूरी परमिशन दी गई। उनको मोटिवेट किया गया कि भैया खेती में भी रिसर्च चालू रखो। फिर अब आपके लिए केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनाए गए थे, राइट। नो डाउट ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स हमारी कंट्री में इतने अच्छे नहीं है, इसलिए हम आज भी ऑर्गेनिक फूड ढूंढ के पहले वो खाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली ग्रोन ग्रोन है, उनमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। बट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के बहुत फायदे थे, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण क्रॉप्स जल्दी उगते थे, क्रॉप्स को किसी भी तरह का न्यूट्रिशन का कमी नहीं होने देते थे। फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम प्लांट को उसकी नीड के हिसाब से देते थे, जिसके कारण खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाती थी। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया। इन शॉर्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज के अंदर फार्मर्स को हर जगह इरिगेशन प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया गया। इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स वर सेटअप, ये दो फंड्स को सेटअप किया गया, जिससे हर गांव में, हर घर में, हर किसान के पास हमारी एग्रीकल्चर फैसिलिटी पहुंच सके। मशीन्स को यूज करना सिखाया, फार्मर्स को सिखाया भैया लेटेस्ट मशीन लेके आओ, मशीन लाने से आप बहुत सारे क्रॉप्स निकाल पाओगे। एक साल में जहाँ आप एक या दो क्रॉप निकालते हो, वहाँ तीन क्रॉप तक हम निकाल पाएंगे, तो जिससे हमारी कंट्री को और बेनिफिट मिलेगा। पेस्टिसाइड्स को यूज करना सिखाया गया, पेस्टिसाइड्स के डेंजर इफेक्ट्स भी बताया गया कि भैया कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, और उसको साइंटिफिकली डेवलप किया गया, जिससे पेस्टिसाइड्स की जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम की जा सके, और पेस्टिसाइड्स को प्रॉपरली यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत एनहांस कर सके, राइट। चलिए उसके बाद में सॉइल टेस्टिंग किया गया। सरकार अलग अलग खेतों में जाके सॉइल टेस्टिंग करती थी, फार्मर्स को बता देती कि भैया तुम्हारे खेत में कौन सी पर्टिकुलर कमोडिटी ज्यादा अच्छी उगेगी, तुम्हें कौन से कमोडिटी का रोटेशन सेट करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे लैंड का जो न्यूट्रिटिव कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी मेंटेन रहे। इस तरह से सॉइल टेस्टिंग पे भी ध्यान दिया गया था। उसके बाद में और छोटे मोटे मेजर्स लिए गए, जैसे कि फार्मर्स को एडुकेट किया गया, एग्रीकल्चर के लिए नए नए मेजर्स लाए गए, एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके आसपास वाली अलाइड एक्टिविटीज को डेवलप किया गया, लाइक कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे छोटे मोटे नई एक्टिविटीज को डेवलप किया गया, और छोटी मोटी नई नई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया, जिससे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का बर्डन कम हो और लोग बाकी जगह भी काम ढूंढना चालू करें। सो दीज वर डिफरेंट अमाउंट, ये स्टेप्स थे जो हम ले सकते हैं खेती को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें से बहुत सारे स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने लिए भी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बाकी रहा, छोटा सा चैप्टर है, मेरे हिसाब से एक आखिरी टॉपिक रहेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। मजे की बात यह है कि भैया मैंने आपका 30 मिनट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा दिया है, आई होप आप लोग को 100% मजा आएगा।
चलिए, सो लास्ट, अब मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या हो गया भैया? मॉडर्न एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में 1966 से एमर्ज हुआ था। कुछ टेक्स्ट बुक में 68 लिखा हुआ है, कुछ में 66 लिखा हुआ है। सर, जो आपके टेक्स्ट बुक लिखे वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 68 बेसिकली करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। आप 66 करो, वरना आपकी स्कूल टीचर गलत मार्क्स देगी, गलत कर देगी, आपको लगेगा हमने गलत सिखाया, इसलिए हम अभी फिलहाल वही रहने देते हैं। सो ड्यू टू द यूज ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इमेंसली। क्या गजब तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। अगर हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन की, सो यस, 1960 से 61 के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन हमारी कंट्री के 60 डिस्ट्रिक्ट पे लागू किया गया था। इसे इनिशियली कहा गया था इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बट इनके कारण इतना गजब फायदा मिला, इतनी हाई यील्डिंग सीड्स आए कि आगे जाके इसे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से भी लोगों ने जानना चालू किया। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए आइक्रा बनाया गया था एक तरह से, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका काम था आपको खेती में रिसर्च करना, लोगों को खेती के बारे में अवेयर करना है, हॉर्टिकल्चर, सीजरिंग, कैटल रेयरिंग साइंस को डेवलप करना है। सो इसलिए एग्रीकल्चर रिसर्च में भी आइकार ने अपना बहुत बहुत मेहनत लगा के एग्रीकल्चर को भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग के फैक्टर्स निकाले। मल्टीपल क्रॉपिंग दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे, एक इकोनॉमिक फैक्टर पे। मल्टीपल क्रॉपिंग एक पर्टिकुलर एरिया में डिपेंड करेगा, उसके सॉइल पे, उसके एनवायरमेंट पे, वहाँ रेन कितनी आती है कितनी नहीं आती, उन चीजों पे, कौन सा सीड चाहिएगा, कितना फर्टिलाइजर चाहिएगा, आपके पास उतना कैपिटल है या नहीं है, या आप क्या इतनी क्रेडिट फैसिलिटी ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, इन चीजों पे, इन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे मल्टीपल क्रॉपिंग डिपेंड करेगा। तो आपको ये सारे फैक्टर्स फार्मर्स को प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला, भैया क्या फायदा होगा अगर आपने मल्टीपल क्रॉपिंग किया, तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगी, ज्यादा इनकम होगी, एग्रीकल्चर के अवेबिलिटी हर जगह बढ़ जाएगी, आपका फार्म अगर बड़ा होगा तो भैया आपको ज्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा, आप इंश्योरेंस से भी प्रोटेक्शन ले सकते हो जिससे कि आपको नुकसान ना हो। तो आजकल फार्मर्स इंश्योरेंस का भी यूज करते हैं जिससे कि क्रॉप खराब होने पे पूरा पैसा उनको इंश्योरेंस कंपनी दे, और साथ साथ में हम लैंडलॉर्ड से लंबा टेन्योर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मल्टीपल क्रॉपिंग पे इम्पैक्ट डालता है। एंड द लास्ट वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन। सरकार ने इसमें भी खूब काम किया है। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 का कहता है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे कम पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है। दो रीजन, पहला हमारे पेस्टिसाइड्स इतने सुरक्षित नहीं है, दूसरा हमारे पास आज भी इतने पेस्टिसाइड्स नहीं है कि हमारे किसी को बांट सके। इसलिए इंडिया में पर हेक्टर पेस्टिसाइड हम कितना डालते हैं, सिर्फ 0.5 kg, जबकि अमेरिका में 7 किलो है, यूरोप में 2.5 किलो है, जापान में 12 किलो है, और कोरिया में 6.6 kg है। और इतना कम पेस्टिसाइड यूज होने के कारण हमारी कंट्री में आज भी 15 से 25% क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, पेस्ट के कारण खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। और ये 15 से 25% बहुत बड़ा, सर 1/4 ऑफ क्रॉप इज डैमेज बिकॉज ऑफ पेस्ट इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, राइट? इसलिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी को अपॉइंट किया गया जो फार्मर्स को सिखाए कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, किसमें कितना लेवल ऑफ पॉइजन है, कौन सा पेस्टिसाइड इफेक्टिव है, कौन सा नॉन पॉइजनस है। इस तरीके से आपको स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है कि भैया अपने क्रॉप्स को खराब मत होने दो, उनको अच्छे से बचाओ, और पेस्टिसाइड्स को समझदारी से नॉलेज के साथ में यूटिलाइज करना स्टार्ट करो, राइट बच्चा? सो इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हम लोगों ने 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा है, बहुत ही सुंदर नोट्स के साथ पढ़ा है, और ये नोट्स आपके लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। सो आई होप आपको मजा आया है। वापस से कल परसों आने वाला हूँ दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेके। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सब्जेक्ट बदलूंगा, मैं सोच रहा हूँ मैं अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ 11th 12th गुजरात बोर्ड वालों के लिए, राइट? सो प्लीज आप अपने दोस्तों को बताइए कि हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हर चीज पढ़ रहे हैं, राइट? सो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से हमारा वीडियो शेयर करते रहिए, अपने बाकी सारे दोस्तों को बताते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।